हेलो तो व्हाट्सअप गाइस, मैं आज मैं आपको बताऊंगा एक अच्छी सी फोटो फ्रेम कैसे बनाएं। तो सबसे पहले हम पानी लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि हमने ब्रश में थोड़ा सा पानी ले लिया, आपको ब्रश पेंट के लिए थोड़ा सा चौड़ा चाहिए ब्रश, तो पानी लिया। अब मैं थोड़ा सा पेंट करूँगा पानी से। और ब्रश को आप तो तीन फिंगर्स पकड़ना, बस ऐसे चलाना। तो अगर लगे आपको ज़्यादा पानी या वाटर ज़्यादा हो गया कंजेशन, तो आपको उसे बाहर कर देना। तो अब हम चलते बनाते हैं कलर से। सबसे पहले हम ब्लू कलर ले लेंगे। तो अभी देख सकते हो गाइस, हम लोग ब्लैक लेते हैं ब्रश। ब्रश आपको पतला ले लेना है। पहाड़ बनाएंगे अभी हम लोग। तो अभी हम इसको ब्लैक करेंगे और इस पर एक पेड़ भी बनाएंगे गाइस। तो देख सकते हैं तो जैसा कि हम लोग देख सकते हो। जैसे कि हम लोग पहाड़ अभी बनाया हमने, तो अब इसके ऊपर एक पेड़। तो जैसे कि हमारे पहाड़ का पेड़ बन चुका है, तो देखिए अच्छा बना। और गाइस, आप लोग मेरा चैनल, आपसे मैं कहना चाह रहा हूँ, प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब और लाइक शेयर कर दीजिएगा। और आप अगली बार बताइए मैं कौन सा पेंट करूं, बताइएगा। तो आपसे बात करते करते मेरा ये रेडी हो चुका है। अब मैं वाइट से चांद बनाऊंगा वाइट। तो चलते हैं, देखते हैं वाइट बनाते हैं, वाइट से चांद बनाते हैं गाइस। तो ये देखिए, हमने वाइट कलर ले लिया। अब बनाते हैं वाइट कलर। लेना है आपको ब्रश और पतला ले लेना, उससे थोड़ा सा ऊपर बनाएंगे। और जब सूख जाए नीचे का ब्लू पेंट तभी बनाइएगा, वरना ब्लू से वाइट मिक्स हो जाएगा और ख़राब हो जाएगा। और कोशिश करना है कि एकदम गोल बने मून,
एकदम राउंड शेप में। आपको अपनी आर्ट को देखते हुए चलना है कि मेरे पहाड़ पे मून कितना बड़ा सही लगेगा। तो देखिए हमारा मून भी बन के तैयार है। तो रात का माहौल बनाया है, तो रात में चांद तारे साथ में होते हैं तो तारे बना देते हैं। आप उसके लिए ब्रश को थोड़ा सा डिप करना होगा पानी में। कुछ पास होते हैं तारे, कुछ दूर होते हैं। तो सिर्फ गाइस हमारा ब्लॉग खत्म होता है।